देश के कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान बंद दिखी दुकानें, सड़कें और लोगों की भीड़ नहीं। महाराष्ट्र मेडिकल लीव और बीमा क्लेम के लिए फर्जी कोविड रिपोर्ट बनाना पड़ा भारी, हॉस्पिटल का वार्ड बॉय गिरफ्तार। लोगों को मिले 300 यूनिट मुफ्त बिजली, बिल बकाया मामले में फंसे नवजोत सिंह सिद्धू बोले। एलोपैथी के खिलाफ बयानों को लेकर दर्ज एफआईआर के खिलाफ रामदेव की याचिका का डीएमए ने किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने पीएनबी की याचिका पर केंद्र और आरबीआई से मांगा जवाब। महाराष्ट्र मेरे खिलाफ सीबीआई जांच, गैर कानूनी कसाब को भी मिला था कानूनी प्रक्रिया का लाभ, अनिल देशमुख। मुंबई हाउसिंग सोसाइटी और वर्क प्लान पर बोगस कोरोना वैक्सीनेशन से बचने के लिए बीएमसी ने जारी की नई गाइडलाइन। महाराष्ट्र कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, नवी मुंबई से 300 करोड़ का ड्रग्स बरामद। महाराष्ट्र अनिल देशमुख को फिर ईडी का सम्मान, इस बार बेटे को भी पूछताछ के लिए बुलाया। महाराष्ट्र की राजनीति भारत पाकिस्तान की दुश्मनी जैसी नहीं, विपक्षी पार्टी के नेता के साथ बैठने से आश्चर्य कैसा, बोले संजय राउत। लक्षद्वीप प्रशासन का कांग्रेस सांसदों को एंट्री देने से इनकार, कहा शांतिपूर्ण माहौल को खराब करेगी इनकी विजिट। हम इज्जत से कमाते हैं रोटी, गैर कानूनी तरीके से नहीं, नवजोत कौर सिद्धू का सुखबीर बादल को जवाब। केरल अब बाढ़ से प्रभावित नहीं होगा, कोचीन एयरपोर्ट शुरू किया गया ऑपरेशन प्रवाह। हमले के हफ्ते भर के अंदर जम्मू के सांबा में फिर उड़ता दिखा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, पुलिस का ड्रोन होने से इनकार। एस जयशंकर ने अमेरिका के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं, ट्वीट कर कहा मजबूत साझेदारी चलती रहेगी। महाराष्ट्र पालघर के भारत केमिकल्स में ब्लास्ट, 5 कर्मचारी झुलसे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बड़ा बयान, विधानसभा चुनावों में अकेले ही मैदान में उतरेगी पार्टी। मेट्रो सिटी समाचार पर विज्ञापन हेतु संपर्क करें 8847744777।